फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस tan एक्स को हम t मानेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन t स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस 2 dt, और ये माइनस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन t, और अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। और इसमें हम क्या करेंगे, रूट एक्स को t मानेंगे, तो रूट एक्स बराबर है होगा हमारा t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ये हमारा हो जाएगा dx डिवाइड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, लिख सकते हैं cos t dt, और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स sin t। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin रूट एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका आंसर है।